नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि किसानों और सरकार के बीच चली करीब 5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद से किसानों ने अपने कहे अनुसार दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। बैठक के बाद से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार ने नया प्रपोजल नहीं दिया, सरकार अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अगर सरकार इसी तरीके से काम करती है, नहीं हमारी बातों के ऊपर ध्यान देती, तो फिर कल 10 बजे हमारी मजबूरी बनेगी, हमें आगे बढ़ेंगे। क्या किया ये सरकार ने क्या किया, जवाब दिया सरकार हुई है? ओ यार, एनआई तो 2 माइक ने, मड़ा जा नीचे करो 1 माइक। आप जी हां, कल बड़ी स्पष्ट यार, माइक मत पकड़ो यार, छोड़ दो माइक। ओ यार, 2 माइक ना रखे रे, मैंने सरकार की ओर से जो बात आई है वो वही की वही है जो यहां पे रखे हुए हैं। आगे बढ़ने की सरकार की ओर से कोई प्रपोजल नहीं आई, वही प्रपोजल है जो पहले थी, और वो प्रपोजल उस प्रपोजल के ऊपर विचार चर्चा करनी। यार नीचे कर लो फिर करण जी, वो पूरे का पूरा एसडीएम बैठा है हमारा बाहर, उसके साथ यार मुंह तो बचेगा। और ये बात जरूर है कि हमारी मजबूरी बनेगी, अगर सरकार इसी तरीके से जिद्दी रवैया अख्तियार करती है तो फिर हमें मजबूर सुबह आगे बढ़ना। और कुरुक्षेत्र से पंजाब के पटियाला शहर को लगते च्यूकर बॉर्डर को हरियाणा प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। सड़क पर तीखी कीले लगाई गई हैं और सीमेंट के बैरिगेड रास्ता रोकने को सड़क पर रखे गए हैं। सीमेंट से सड़क पर दीवार बनाई जा रही है, जिसकी वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं जो है बच्चों को लेकर पैदल चलने को मजबूर है, वहीं बुजुर्गों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये जो किसान रोष प्रदर्शन रैली है 13 तारीख की, उस संबंध में वर्दी डीजीपी साहब के, वर्दी आईजीपी और एसपी साहब के आदेशानुसार जो व्हीकल पंचकुला चंडीगढ़ की तरफ है वो सावा से साहा रोड होते हुए नेशनल हाईवे नंबर 444 है, इससे सीधा साहा से सजारपुर और जो नेशनल हाईवे 344 है उसके ऊपर निकल देगा ये सीधा। और इसके साथ ही साथ जो सावा से परड़ा की तरफ अदोया पराड़ा दूसरे तो का साइड है व्हीकल, वो भी हम डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ व्हीकल को जो करनाल से पीछे से आ रहा हमारे पास, वो उसको हम जो ताऊ देवीलाल पेटा है वहां से पीपली चौक से और फिर सीधे लाडवा से रादौर इंद्री। हाँ जी, अभी डाइवर्शन का ये प्लान है सर, जो जिनको दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाना है उनके लिए सर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में किसानों के आंदोलन को लेकर के सुनवाई हुई। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा रोक लग गई है, जिसे लेकर के कोर्ट में सुनवाई की गई है और हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा केंद्र सरकार और यूटी चंडीगढ़ को पार्टी बनाया है। और सुनवाई के दौरान जो है किसानों के वकील ने जो है वो दलील दी है कि किसान पंजाब से दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार उन्हें बैरिगेड लगाकर क्यों रोक लगा रही है। संविधान के अनुसार प्रदर्शन सभी का मौलिक अधिकार है। इस मामले में गुरुवार को अगली सुनवाई होगी, जिसमें चारों पक्ष अपना अपना जवाब रखेंगे। 2 PIL फाइल हुई थी, 1 PIL में कहा गया था कि जो अवरोध लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, दूसरे में कहा गया था कि जो किसान एजिटेशन के कारण ब्लॉकेड हो रही है उनको एजिटेशन वालों को कहा जाए वो ना किया जाए। तो इन दोनों पटिशनों पर इकट्ठी सुनवाई हुई है। हमने भारत सरकार की तरफ से बताया कि सारे रीजन में जो रेलवे की सर्विसेज हैं वो नॉर्मल चल रही हैं, दिल्ली से लेकर बठिंडा फिरोजपुर सब जगह नॉर्मल सर्विसेज चल रही हैं, कोई विघ्न नहीं है। जहां तक इशू का ताल्लुक है, भारत सरकार के 3 मंत्रियों ने 8 तारीख को और उसके साथ 2 सेक्रेटरी FCI के चेयरमैन, हमने बैठक की किसानों के प्रतिनिधियों के साथ, फिर कल 12 तारीख को भी चंडीगढ़ में 2 केंद्रीय मंत्री, 2 सेक्रेटरीज और FCI के चेयरमैन उनके साथ भी बैठक हुई है। अज आपां PIL पाई सी फार्मर्स वालों कि यह जिहड़े पीसफुल प्रोटेस्टर आ इन्हां ते कोई धक्काशाही ना की जाए गवर्नमेंट वालों, तो जिहड़े यह ब्लोकेड लाए गए हैं इन्हें इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वर्गे ब्लोकेड लाए गए हैं तो उन्होंने रिमूव किया जाए। साड़ी यह प्रेयर सी अज अपना तीनों चारों मेरे रिस्पोंडेंट्स अपीयर हो रहे सी केस दे, पंजाब हरियाणा यूटी ते यूनियन
ते इना जे स्टेट ऑफ पंजाब दा स्टैंड यह सी वी यह पीसफुल प्रोटेस्टर ने, ते स्टेट ऑफ हरियाणा दा यह सी वी यह बड़े अग्रेसिव ने ते दे थ्रेट आ पब्लिक ऑर्डर नू। और किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो हैं कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, किसानों की सरकार की तरफ से सम्मान निधि भी दी जा रही है, हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने और क्या कुछ इस दौरान कहा है, सुनाते हैं आपको। सरकार से किसान के हित में सरकार ने निर्णय लिए तो मैं समझता हूं कि किसानों का कहीं उसको समर्थन नहीं है, और ये जो सारा का सारा है ये केवल आंदोलन के लिए आंदोलन है, और ज्यादातर जो किसान संगठन है वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उन्होंने अपने आप अपना हाथ पीछे खींच लिया, वो इस बात से सहमत नहीं है। और वर्तमान में सरकार ने जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि जारी की, और जो स्वामीनाथन जी ने कहा था कि भाई उत्पादन लागत कम होनी चाहिए, तो सरकार एक साल में 6000 रुपए दे रही, तो जो 2, 2.5 और 3 एकड़ तक का किसान है, और जब जो कि बहुत बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ 80% किसान जो है वो इसी स्तर का है, तो उसका जो खाद का और जो दवाई का था पैसा। और किसान आंदोलन को लेकर के डीसीपी रविंद्र तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जवानों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि लाठी नहीं मारनी, लाठी की खोद मारनी है। बता दें कि रविंद्र तोमर गोहाना में डीसीपी नियुक्त हैं, जिनको आंदोलन के चलते कैथल नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसानों की दिल्ली कूच के दौरान लाठीचार्ज की स्थिति उत्पन्न होने पर सुरक्षा बलों को निर्देश देते हुए कहा कि लठ नहीं मारने खोद मारनी है, इससे आपसे उनकी दूरी बनी रहेगी और चोट भी कम लगेगी, और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि खोद क्या है। यह हरियाणा की एक खोज है। बता दें कि डीपी रविंद्र तोमर का ये जो वीडियो है वो आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खोद मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? हाँ, उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी, और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। जैसे जुगाड़ है ना भारत का, एक ये हरियाणा की एक इन्वेंशन है, खोज है, खोद, तो ये हमें बता देंगे हम आपको बात। और किसानों की दिल्ली कूच को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर भी किसी तरह का भड़काऊ कंटेंट न डाले, इसे लेकर के भी प्रशासन नजर बनाए हुए है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर कई किसान नेताओं और संगठनों के एक्स अकाउंट पर रोक भी लगा दी गई है। और करनाल में नेशनल हाईवे के नजदीक खेत में आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और खेत में किसी बैंक्वेट हॉल का सामान भी रखा हुआ था, पराली का कूप भी रखा हुआ था जिसमें भी आग लग गई, जिसके बाद से देखते ही देखते आग भड़कने लगी। वहीं आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिला, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। राहुल, क्या कुछ दृश्य देख रहे हैं? ये सर, हम क्रिकेट खेल रहे थे सीएसबी ग्राउंड में, हमने देखा भी गुबार उठा हुआ है, धुआं, आग लगी हुई है, तो हम इसे भागते हुए आए, देखा तो यहाँ बहुत ज्यादा अपना आग लगी हुई है। अभी मौके पे फोन किया है फायर ब्रिगेडर को, जो अभी मेरे ख्याल से आ चुकी है, तो लगी आने में। किसका सामान बताया? ये तो डेकोरेट का सामान है सर। ये तो कितने देर पहले देखा था आपने? ये सर कम से कम आधा घंटे पहले देखा मैंने। आधा घंटे पहले? जी जी। तो आग बढ़ रही है, अभी तक यहाँ कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं? नहीं, फोन तो किया है, देखो अभी मेरे ख्याल से आने भी हो गई, अभी आ चुकी है। आग तो बहुत बड़ी हुई है सर, आपके सामने ही है। जो भी है सामान, क्या था ये सामान? डेकोरेट से बता रहे हैं। किसका? ये तो सर बैंक्वेट हॉल को होगा किसी का भी, ये तो पता नहीं है। आपका नाम? राहुल। हमें धुआं उठता देखा तो हमने माल को फोन किया, मैंने इस पे भी किया, फूफा जी है मेरे, तो उसके बाद धुआं उठता देखा, फिर मैंने इसके फोन किया, मैंने माल को फोन किया, गोल्डन मोमेंट वाला सामान है जी, ठीक है जी, रेड डेकोरेशन का, जैसे पहले पैलेसों में डेकोरेशन करते हैं उस चीज का सामान है जी, ये बस ये देखे जी। आपको कैसे पता लगा गोल्डन सर? हम यहाँ पर रहते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी पे सामान था, ये जो भी था, जो जिम्मेदारी थी हमारी बनती थी, तो हमें ना मालकों ने फोन किया, तो अभी आ रहे हैं। तो कारण का नहीं पता लगा? नहीं सर, कारण का नहीं पता लगा, आग कैसे लगी कैसे ना लगी। हाँ जी।
सामान सारा जल खा हाँ जी सारा जल गया जी सामान जो भी था उसका डेकोरेशन का सामान था पैलेस का फायर ब्रिगेड आ गई हाँ जी आ गई है। और घरौंडा रेलवे लाइन पार कॉलोनी में पानी के नए ट्यूबवेल का विधायक हरिंद्र कल्याण ने शिलान्यास किया। विधायक का वार्ड में पहुंचने पर कॉलोनी वासियों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक ने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग के 5 नए ट्यूबवेल लगने से शहर में पेयजल सुविधा में बेहतर सुधार होगा। कॉलोनी के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शहर में लगभग 5 नए पेयजल के लगभग 28 लाख की ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। घरौंडा विधानसभा में बड़ी संख्या में जो ट्यूबवेलों की जो डिमांड थी वो मंजूर हुए हैं और उनका कार्य शुरू हो गया है। क्रम अनुसार वो सारे कार्य होंगे। उसी कड़ी में जो घरौंडा शहर है तो नगर पालिका का क्षेत्र है, उसमें 5 नए ट्यूबवेल लगेंगे लगभग 28 लाख रुपए की लागत से। और घरौंडा शहर के लिए जो पाइपलाइन की भी जो जरूरत थी वो पीछे सर्वे हुआ था, वो भी टेंडर प्रोसेस लगा हुआ है और लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से जो नई पाइपलाइन है वो भी मंजूरी होने के बाद अभी टेंडर उसके वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि ये सारे कार्य पूरे होने के बाद पीने के पानी की किसी प्रकार की किसी को भी कोई दिक्कत ना हो ऐसी व्यवस्था यहां पर होगी। 5 ट्यूबवेल लगाए जाने हैं जिससे कि आने वाली गर्मियों को देखते हुए डिपार्टमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से जो है लोगों को स्वच्छ शुद्ध जल मुहैया कराया जाएगा। और चंडीगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक की डेपुटेशन मंजूर हुई है और वहीं एसीएस अनिल मलिक केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे जिसके लिए हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र महिला और बाल विकास विभाग में विशेष ड्यूटी पर एसीएस अनिल मलिक जाएंगे। से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर हरियाणा सरकार ने जो है कुछ तबादलों की मंजूरी दे रखी है और उसकी लिस्ट आपको यहां पर दिखा रहे हैं। अनिल मलिक की डेपुटेशन हुई मंजूर और इसी के साथ ही एसीएस अनिल मलिक केंद्र में अब सेवाएं देंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर हरियाणा सरकार ने ये मंजूरी दे दी है कि जो अनिल मलिक हैं उनकी डेपुटेशन जो है वो मंजूर हो गई है और अब वो जो अपनी सेवाएं हैं वो केंद्र में देंगे। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी निकल करके सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से जहां पर बीजेपी विधायकों और सांसदों ने बैठक में शिरकत की है। संगठन पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हुए हैं और सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर हरियाणा बीजेपी संगठन की ये बड़ी और अहम बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की खुद अध्यक्षता की है और बीजेपी विधायकों सांसदों ने भी इस बैठक में शिरकत की है। संगठन के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक के बाद से सांसद सुनीता दुग्गल ने जो है बातचीत की है। आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी की ये संगठन बैठक है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में 16 फरवरी को रेवाड़ी दौरे पर रहने की सौगात की बात कही गई है। सांसद सुनीता दुग्गल का बयान सामने आया है जिसमें एम्स की सौगात रेवाड़ी को मिलने वाली है 16 फरवरी को। और अब खबर झज्जर से है जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की मांग का समर्थन किया है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि किसानों की सभी मांगें जायज हैं।
एमएसपी की उनकी मांग भी जायज है। दीपेंद्र हुड्डा ने साथ ही कहा है कि किसानों को उकसाने और दबाने की बजाय सरकार को उनके साथ बात करनी चाहिए और उनकी मांगे भी पूरी करनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ में व्यापारियों से मुलाकात करने आए थे और बहादुरगढ़ में दुकानदारों के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने पीड़ित किरियाना स्टोर संचालक से मुलाकात की और एसपी से भी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने को बोला है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपराधियों को भी इस दौरान चेतावनी दी कि वो सावधान हो जाए क्योंकि उनकी सरकार आने वाली है। यहाँ पे बहादुरगढ़ के अंदर लगातार जिस तरह से आपराधिक बदमाशों और गुंडों द्वारा दुकानों में घुस घुस के फायरिंग कर करके जो दुकानों को लूटने का काम चल रहा है और कहीं फिरौती की बात आ रही है, पहले गोहाना में आई फिर सापला में आई, एक हफ्ते की बता रहा हूँ मैं, पहले गोहाना की फिर सापला की फिर बहादुरगढ़ की फिर रोहतक की फिरौती की जो घटना सामने आई है, तो शाम में एक जो है एक अपहरण की घटना भी सामने आई, तो कानून व्यवस्था विफल हो चुकी सरकार। ये जंगल राज दोबारा से हरियाणा में आ गया है, अफरा तफरी का माहौल हरियाणा में बन गया है सरकार में, बड़े दुख की बात है। और अब खबर झज्जर से है जहां किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमा पर प्रवेश करने से रोकने के लिए झज्जर पुलिस ने भी सख्त इंतजाम किए हैं। झज्जर में 7 अस्थायी डिटेंशन सेंटर लगाए गए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स की 11 कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। एसपी अर्पित जैन का इस मामले में कहना है कि किसी भी कीमत पर किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले में धारा 144 लगाई गई है। उनका कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो इनपुट है और यही हमारा प्रयास है कि जो भी कोई उपद्रव ना हो यहाँ पर और साथ ही कानून व्यवस्था बनी रहे, तो उसी लिए ये सारे तैयारी की जा रहे हैं। और अभी हमने अपनी जो लेन है वो ओपन कर रखी है, एक लेन अभी चल रही है ऑलरेडी, और जो भी कोई इमरजेंसी व्हीकल है हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसमें कोई भी परेशान ना हो और कोई नागरिक भी परेशान ना हो। नहीं, अभी ये रास्ता खुला हुआ है और फिर मैंने बताया कि आगे जैसे भी परिस्थिति होती है उसमें हम अगर आवश्यकता पड़ी तो हो सकता है पूरा रास्ता भी बंद करें। यहाँ 11 पुलिस की कंपनी तैनात है और प्रशासन और पुलिस लगा हुआ है कि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े। पूरे एरिया को कैमरे से कवर किया गया है, लाउडस्पीकर यहाँ लगाए गए अनाउंसमेंट के लिए और हर व्यक्ति का जो है फेस रिकॉग्निशन कैमरा लगाया गया है कि कोई भी उपद्रव करता है, कोई भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और किसानों की तरफ से 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद से हरियाणा में पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है और पंजाब से आने वाले रास्तों पर भी नाकाबंदी हुई। वहीं जिला फतेहाबाद में भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पंजाब के आने वाले रास्तों में किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों पर गड्ढे खोद रखे हैं। साथ ही अन्य किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम हुए हैं। रतिया में भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ की तरफ से कार्यालय में किसानों के लिए लंगर की पूरी व्यवस्था हुई है और वहीं इस बारे में किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब से आने वाले किसानों के लिए उन्होंने लंगर और अन्य खाने पीने की पूरी व्यवस्था की हुई है। आज हमारी तैयारियां हैं, हम कम से कम 2 बजे तक सारा अपना कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारा कुछ करने का जहां भी जैसे ऊपर से आदेश आएगा, अभी मीटिंग महल कला में चलने लग रही है, प्रधान जी कह रहे हैं हमारा कुछ करने का उसी टाइम जो पंजाब राज्य से यहाँ पे किसान आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था क्या की आपने? हमने यहाँ देखो हमारे यहाँ लंगर की व्यवस्था यहाँ से है, गुरुद्वारा से हमारा ऑफिस है, यहीं से सारा कुछ होगा, हम उनकी देख रेख का सारा जुम्मा, क्योंकि जिले के अंदर एक ही यूनियन है जो उसको सपोर्ट कर रही है, भारतीय किसान खेती बचाओ, और हमारे ऊपर ये सारा दारोमदार है कि जो यहाँ से भी कोई आएगा फरियाबाद जिले में। तैयारियाँ आप देख रहे हो, धीरे धीरे हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है और हम जैसे ही संयुक्त मोर्चे का जो गैर राजनीतिक है हमारा उसका आह्वान होगा हम उसके अनुसार चलेंगे और जैसे पंजाब के साथी फैजाबाद जिले की सीमा में अगर प्रवेश करते हैं तो हम चाय पानी लंगर से हर प्रकार से उनका स्वागत करेंगे। ये लंगर पानी यहीं पे खिलाया जाएगा फैजाबाद?
ये तो जैसे जिस तरफ से काफिला आएगा, क्योंकि काफिला अगर डब्बा वाली से सीधा आता है तो लंगर पानी की व्यवस्था हम हाईवे पे करेंगे। और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सोमवार को रतिया में अग्रसेन चौक पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लगभग 5000 वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन इस धरती पर अवतरित हुए थे और उस समय उन्होंने लोगों की भलाई का कार्य किया और सभी को एकता व भाईचारे का संदेश भी दिया था। अनावरण समारोह अध्यक्ष प्रमोद बांसल ने सभी अग्रवाल समाज की तरफ से एक अस्पताल महाराजा अग्रसेन के नाम से और ब्राह्मणवाला से लेकर के फतेहाबाद रोड का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखे जाने का सुझाव दिया। आपको हम यहाँ आए थे तो एक अलग से नज़ारा देखने को मिला है और महाराजा अग्रसेन के जो आज ये चौक बना में सारे अग्रवाल बंधुओं को और सारे रतियावासियों को शुभकामनाएं। एक विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज आना था और वो किसी कारणवश आज रास्ते बंद थे, उसकी वजह से नहीं आए, लेकिन उन्होंने वर्चुअल आज इसका उद्घाटन किया और 11 लाख रुपए की अग्रवाल जो समाज है उसने घोषणा की है तो और वो जल्दी रतिया में आएंगे। सभी रतियावासियों समाज के सभी लोगों को हार्दिक बधाई। सर आज जो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने आज विधानसभा से सीधा वर्चुअल उद्घाटन किया है, उसमें क्या कहना है? मैं सर वो आज का टाइम था उनका आने का, वो किसी कारणवश नहीं आ सके, कल उनसे बात हुई, उन्होंने ऑनलाइन जो उद्घाटन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे जो हमारे लिए टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 16 फरवरी को रेवाड़ी में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली और एम्स के शिलान्यास के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए लोगों को निमंत्रण देने के लिए आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह महेंद्रगढ़ के दौरे पर रहे। हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं 16 तारीख के लिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 16 तारीख को 1 बजे माजरा एम्स का शिलान्यास रखने के लिए, तो लोगों को वहाँ पर हम आमंत्रित कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। एक सौगात हमारे को भारत सरकार की तरफ से जो मिली है वो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी काम आएगी और मैं समझता हूँ कि लोग अच्छी खासी तादाद में वहाँ पहुँचे। जी, किसान आंदोलन पर हैं, सरकार से बातचीत के दौर भी चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन? बातचीत से ही सुलटाएंगे। आपके चुनाव लड़ने की जो है लोकसभा का चुनाव, पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया था कि विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं, तो सर मेरा लोकसभा का लड़ने का मन है और वो किसी नहीं रहे अपने आप मन धर्म की बात कह दी, मैं लोकसभा का चुनाव गुड़गांव से करना चाहता हूँ। का उद्घाटन है 16 तारीख को, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के यशस्वी राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं। उन्होंने 2014 का श्री गणेश रेवाड़ी से किया था, 15 सितंबर 2013 को उनको मैंने साफा और तलवार भेंट की थी और अभी फिर 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत। पहले नारनौल और अटेंडी भी प्रोग्राम था, क्योंकि हमें छोटा प्रदेश होने के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को एम्स की नींव रखेंगे। वैसे तो हेल्थ के ऊपर केंद्र और प्रांत सरकारों ने फैसला ले रखे कि हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल एक, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में भी केवल एक एम्स है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें दूसरा एम्स भी राव साहब की कमीशन से मिला है, इसलिए हमारे इलाके का फर्ज बनता है, वरना तो हम कभी जयपुर और जयपुर भी एम्स नहीं है और दिल्ली में जब एम्स में जाते हैं तो विधायक हूँ या सांसद हमारे ऊपर बहुत दबाव रहता है। और हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।